नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें शिकायतों का अंबार लगा रहा। बार संघ ने तहसील क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण व ग्राम न्यायालय की स्थापना जल्दी कराए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस के बाद परिसर में लगे विभिन्न विभाग के स्टॉल देखे तथा समाधान दिवस से नदारद मंडी सचिव से स्पष्टीकरण लेने के लिए भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बार संघ के पूर्व अध्यक्ष राम सेवक सिंह की अगुवाई में कृष्ण कुमार मिश्रा, राम कुमार, पृथ्वीराज, लाखन सिंह, के एन निगम, नरेंद्र कुमार सहित एक दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने डीएम को बताया कि सरीला से शिवौली मार्ग की लगभग 4 किलोमीटर सड़क सिंगल है, जिससे वाहनों के आने जाने में दिक्कत होती है तथा सरीला मुस्कुरा मार्ग जर्जर पड़ा है। संघ ने दोनों सड़कों को चौड़ा करने तथा ग्राम न्यायालय के लिए अधिकृत भवन की मरम्मत करवा कर न्यायालय खोले जाने की मांग की, जिस पर डीएम ने जल्दी समाधान कराने का आश्वासन दिया है। समाधान दिवस के बाद तहसील परिसर में लगे ग्राम विकास विभाग, बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सहायता समूह सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल भी देखे। इस मौके पर 100 शिकायतें दर्ज की गईं तथा 30 का मौके पर निराकरण भी हो गया। समाधान दिवस में अपर एसपी संतोष कुमार, एसडीओ राम कुमार, परियोजना निदेशक चित्रसेन के अलावा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सरीला हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। बारसंग सरीला के कुशल निर्देशन में हम लोग अभी आज जिला स्तरीय तहसील दिवस में हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री ज्ञानेश्वर जी त्रिपाठी आज तहसील सरीला में पधारे हैं। बारसंग की ओर से हमने कुछ मुद्दे उनके सामने रखे हैं जो जनता के मसले हैं, जनहित के मसले हैं। उन सब मुद्दों को लेकर के हम उनसे निवेदन किए हैं, जिसमें एक निवेदन हमने उनसे किया है कि हमारे सरीला नगर में तहसील मुख्यालय में ग्राम न्यायालय की स्थापना यहाँ पर होना चाहिए और वो उसके लिए भवन विभाग अधिकृत कर लिया गया है, लेकिन भवन का की रिपेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। उसके लिए धन स्वीकृत करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया, तो ये पता चला है कि पहले जहाँ इसकी मरम्मत के लिए 2 लाख का धन स्वीकृत होने की बात आ रही थी, अब वो 12 लाख का धन स्वीकृत होने की बात कही गई है PWD के अधिकारियों के द्वारा। और जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम यथाशीघ्र इसको तत्काल प्रभाव से इस भवन की मरम्मत कराने का काम जल्दी शुरू कराएंगे। दूसरा, हमने एक निवेदन जिलाधिकारी महोदय से और किया है कि सरीला में स्टेट बैंक की शाखा को खुले हुए लगभग 8 साल हो गया है, लेकिन सरीला तहसील के 120 गांव के लोगों को सरकारी देयों के जमा करने के लिए शस्त्र नवीनीकरण के की फीस या सरकारी देय, जो भी अमीर लोग तहसील सरीला में हैं उनको अपने सरकारी राशि को जमा करने के लिए स्टेट बैंक शाखा राठ जाना पड़ता है। हम लोगों को हदबंदी के मुकदमे में जो सरफराज जमा करनी पड़ती है वो भी राठ स्टेट बैंक हमें जमा करनी पड़ती है। तो हमने निवेदन किया कि सरीला स्टेट बैंक की शाखा में ही ये सारे देय जमा होने चाहिए, इसका खाता खुलवा करके इन सारे देयों का भुगतान सरीला तहसील की स्टेट बैंक की शाखा में ही कराया जाए, ये हमने निवेदन किया है। तीसरा, हमने निवेदन किया है कि सरीला से मुस्करा सड़क करीब जो 22 या 24 किलोमीटर ममना से मुस्करा होगा, इसके चौड़ीकरण के लिए हमने मांग की है कि इस सड़क को यदि चौड़ा कर दिया जाए तो मुस्करा से चरखारी महोबा होकर के हम मध्य प्रदेश की सीमा में घुस सकते हैं। और हम लोगों के लिए सरीला तहसील जो पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। जैसे महोबा से दिल्ली वगैरह के लिए जो बसें आती हैं काफ़ी दिक्कत पड़ती है, और इस रोड के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएँ हो जाएंगी। हमने इसमें ये भी मांग की है कि जो सरीला से कानपुर और सरीला से कानपुर बाया हमीरपुर और सरीला से कानपुर बाया कालपी, ये जो रोडवेज की बसें चला करती थी 3-4 वर्षों से बंद हैं, इन बसों के फिर से चालू कराने के लिए हम लोगों ने मांग की है। और इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस काम को हम यथाशीघ्र पूरा कराएंगे। इस तरह से एक चौथा निवेदन हमने उनसे यह भी किया है कि सरीला और छेवड़ी के बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, लेकिन ये सड़क सिंगल है, इसमें 2 वाहन आपस में क्रॉस होते हैं तो बरसात के दिनों में खासकर बहुत दिक्कत होती है। उनके चारों तरफ बड़े बड़े झाड़ झंकाड़ पेड़ों के लगे हुए हैं तो 2 वाहन निकलना बहुत कठिन होता है। इसके लिए हमने कहा है कि 4 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कराया जाए, क्योंकि राठ से जलालपुर तक का चौड़ीकरण है और जरिया से सरीला होकर के ममना तक का चौड़ीकरण है। सिर्फ ये 4 किलोमीटर की सड़क
सरीला से छिवौली की जो रह गई है इसका चौड़ीकरण कराया जाए ताकि आवागमन वाहनों का आसानी से हो सके, ये जनहित में होगा। इस तरह की मांग हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से की है और जिलाधिकारी महोदय ने हमें बार संघ ने इस बात को रखा है और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है। सारे अधिवक्ता इस बात से प्रसन्न है कि डीएम साहब ने हम लोगों की बात को बहुत गंभीरता से लिया है